हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आसिफ खान और मैं आपके सामने आज हाजिर हूं अपना यूट्यूब चैनल लेकर जिसका नाम है मैड ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस विद आसिफ खान एके सर। ओके, तो आज से आप बच्चे मुझे एक नए नाम के साथ जानेंगे, वो है एके सर। इससे पहले मुझे बहुत सारे बच्चे जो है वो आसिफ सर के नाम से, बहुत सारे बच्चे मुझे एज अ भाई की तरह ट्रीट करते हैं ऑफलाइन के अंदर, और मैं अब ऑनलाइन आ गया हूं। रॉक करेंगे केमिस्ट्री को, फाड़ के रख देंगे बेटा केमिस्ट्री को, इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे, मजा ही आ जाएगा बच्चे। तो चलिए इलेवंथ वाले जिंदे हो जाएं, ध्यान दे, आ गया आपका चोपड़ा जी की केमिस्ट्री लेकर इलेवंथ केमिस्ट्री। ओके, शैल वी स्टार्ट, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। ओके प्यारा बच्चा, तो हमारे इलेवंथ के सिलेबस में कुल यूनिट है 14। कितने यूनिट है बबुआ? 14 यूनिट है बाबा। और वो 14 यूनिट काता है, देखिए जरा। सबसे पहला यूनिट बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही बेसिक होने वाला है बबुआ, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके बच्चा, तो चलिए सेकंड यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। सेकंड यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। वरे बबा रे वरे बबा, यूनिट नंबर थर्ड है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यूनिट नंबर फोर्थ है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग इज योर फोर्थ यूनिट। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं सिलेबस के बारे में ताकि आपको ये रहे पता कि भैया पढ़ना कहाँ है। तो केमिस्ट्री के अंदर पांचवा यूनिट जो आप लोग पढ़ेंगे बाबू, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। यूनिट नंबर सिक्स है आप लोगों का, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। सिंह गब्बर ऑफ केमिस्ट्री। तो सेवंथ है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यूनिट का नाम है जनरल। तो ये हमारे पास पहले सात, यानी ए पेपर जिसको माना जाता था पहले, खैर अब तो सिंगल पेपर स्कीम है और आप लोगों का पैटर्न भी लास्ट इस टाइम पे चेंज हुआ है। वो पैटर्न जब लेटेस्ट आता है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। फिलहाल आप यूनिट्स के नाम देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके बाद बचे आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर पीरियोडिसिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक। केमिकल बॉन्डिंग है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर एट है रिडॉक्स रिएक्शंस। यूनिट नंबर नाइन यो हनी सिंह, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बम मारू आपकी नासों पे। तो एनी हाउ यूनिट नंबर टेन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट नंबर इलेवंथ है बाबा पी फॉर पापा, पापे न मिले हो आपे पढ़े हो, हां जी बी ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट नंबर ट्वेल्थ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। ओके, यूनिट नंबर 13 है वाहे वाह बाबा हाइड्रोकार्बन्स। पढ़ा है थोड़ा बहुत आपने टेंथ में भी, टेंशन नहीं लेने का, इधर डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 14 है, माहौल बड़ा खराब है बारे ना, कोरोना कोरोना, टेंशन नहीं करनी, घर भी पढ़ो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखिए और खुद को भी बचाइए और पूरी कायनात को बचाइए। तो बच्चा ये है आप लोगों के इलेवंथ केमिस्ट्री के यूनिट्स, और इन्हीं को हमने बहुत ही छोटा सा यूनिट है, आपको पता है आपको बहुत ही छोटा सिलेबस रहता है हमारी केमिस्ट्री का। ओके, छोटा समय लेना,
तो इसलिए इफ यू हैव अ वो कहावत है कि इफ यू हैव अ बिग टास्क टू डू, डू इट इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, थोड़ा थोड़ा कर, कतरा कतरा करके तो समंदर बन जाता है, नदियां नाली कस्सी फलानी मिलके समंदर बनाते हैं, तो हमें क्या करना भैया। अरे भैया बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए जिनने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी नॉलेज दी, और उसी नॉलेज का नाम है भाई क्या, केमिस्ट्री। तो बच्चे हमें तो सिर्फ पढ़ना है, हमें तो क्रैम करना, हमें कौन सी कोई नई चीजें इन्वेंट करनी है, इसलिए थोड़ा सा सोच को बढ़ा रखें, इनोवेशन होनी चाहिए, आप लोगों का गोल होना चाहिए कि हमें पढ़ना। और बच्चे एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों के माइंड में है ये चीज कि मुझे जे नीट्स निकालना है, मुझे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, जे मेंस निकालना, आईआईटी जाना है, ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है डिफरेंट उनमें से कोई क्वालिफाई करना है, तो आप लोगों को आप लोगों का केमिस्ट्री वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसी उस चीज को स्ट्रांग करने के लिए आप टेंशन मत करें, मैं आप लोगों का बड़ा भाई, आपका टीचर, आपका गाइड, हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन सिर्फ बदले में मुझे एक चीज चाहिए, वो है आप लोगों का प्यार, जो ऑफलाइन में तो ढेर सारा मिला, अब मैं ऑनलाइन आया हूं, तो मैं चाहूंगा यहां पर भी आप लोगों की सपोर्ट रहे, ताकि एक बच्चा जो है वो अपने साथ 10 बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़े, उसको सब्सक्राइब करवाए, ताकि उन बच्चों की भी इस कोविड के टाइम पे या ओवरऑल कोविड अल्लाह करे जल्दी से खत्म हो जाए, उसके बाद भी उन बच्चों की हेल्प होती रहे। ओके बेटा, तो शैल वी स्टार्ट, चलिए गेट रेडी, तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना, क्योंकि मेरा फील्ड है केमिस्ट्री, आई लव केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज माई गर्लफ्रेंड। ओके, लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट होता है, यहां मेरा अप्लाई होता है केमिस्ट्री पे भैया, तो अपना अपना सोच है, अपनी अपनी जिंदगी है, बुरा मत मानना, खैर मान भी लोगे तो कौन सा मुझे आके बांध लोगे, नहीं कुछ नहीं कर सकता कोई, तो चलिए खैर शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, कुछ बेसिक बातें आज करता हूं मैं आप लोगों की साइंस और केमिस्ट्री के पार्ट में। तो चलिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मैं साइंस की बात करता हूं, क्योंकि साइंस की एक ब्रांच है मुझे केमिस्ट्री, तो साइंस, अब बोलेंगे सर कहां आठवीं नौवीं सातवीं चले गए, भैया आदत है बाल की खाल उतारने की, इसीलिए तो बच्चे मुझे जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं बेसिक लेवल से उठा के ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि पहले छोटी बात समझ आनी चाहिए, बड़ी तब समझ आती है जब छुटकी बात दिमाग में घुस जाए रे बाबू, तो इसीलिए छुटकी बात को देखें, तो साइंस वर्ड निकला है साइंटिया से, और साइंटिया वर्ड का मतलब होता है नॉलेज, अरे बाबा वाह, का मतलब होता है ससुरा नॉलेज मतलब होता है, तो इसका मतलब व्हाट इज साइंस, साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज विच इज गेन्ड बाय mankind through observations and experimentations, or experimentations and observations. बहुत सारे साइंटिस्ट ने मेहनत की है बच्चे इस नॉलेज को डिवाइस करने में, जिसको आज की डेट में हम साइंस बोलते हैं, किया क्या उन्होंने, चीज कोई नई चीज मिली उसको ऑब्जर्व किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, और उन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज थी, और उसी नॉलेज को गैदर करते हुए हमारा एक सब्जेक्ट बन गया, एक फील्ड बना, जिसका नाम क्या है बच्चे साइंस। तो कोई पूछे व्हाट इज साइंस, साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज विच इज गेन्ड which is obtained by mankind through observations and experimentations. तो बच्चे इसी साइंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप की साइंसेज हैं, क्या मैं उधर आप नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी बात करनी थी मुझे साइंस, क्योंकि साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री, हालांकि हमारे पास डिफरेंट साइंसेज होती हैं, यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस है ना, लॉजिक्स एंड मैथ्स, तो डिफरेंट हमारे पास फील्ड्स हैं। तो चलिए बात करते हैं बच्चे केमिस्ट्री की, व्हाट इज केमिस्ट्री, देखिए कुछ सवाल आते हैं, जैसे ही केमिस्ट्री का टीचर या कोई सब्जेक्ट का भी टीचर आता है तो आप लोगों के दिमाग में पहला सवाल आता है व्हाट इज केमिस्ट्री, क्योंकि इससे पहले तो आपने नाम सुना होगा साइंस का, आज नया नाम सुन रहे हैं
किसका? केमिस्ट्री का। तो प्यारा बच्चा पहला सवाल आएगा व्हाट इज केमिस्ट्री, दूसरा सवाल आएगा बाबा मैं क्यों पढूं केमिस्ट्री, व्हाई शुड वी स्टडी केमिस्ट्री, है ना, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाई शुड वी स्टडी केमिस्ट्री। तो ये सवाल है, इनका जवाब आपको मिलेगा चोपड़ा की क्लास में, डोंट वरी चिल। तो चलिए बच्चे केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों की बेसिकली जो आप लोगों के 11th पार्ट की केमिस्ट्री है, इतना तो सभी को पता है कि टोटल आप लोगों के 100 मार्क्स के लिए आप लोगों को पढ़ना है 11th केमिस्ट्री को, है ना। और उन 100 मार्क्स में आपको पता है कि 70 मार्क्स आप लोगों के थ्योरी पार्ट में होंगे, और ये थ्योरी पार्ट में है, और आप लोगों के 30 मार्क्स जो है वो है आपके प्रैक्टिकल्स पार्ट में। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल भी एग्जाम दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इंटरनल आप लोगों का होता है बच्चे 10 मार्क्स या 10 नंबर तो मुफ्त के मिलते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूं मैं साथ ही साथ स्टार्ट करने से पहले कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। 100 मार्क्स के लिए आपको 100 मार्क्स देगी आपको केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है, अब बच्चे बुकिश नॉलेज होना, वो जो बुक्स के ऊपर लंबी लंबी डेफिनेशन है वो भी तो आपको याद करनी ही है, लेकिन मेन होता है बच्चे आप लोगों का कॉन्सेप्ट, आप लोगों का ऐसा पॉइंट, आप लोगों को छोटा पॉइंट आपके दिमाग में बिठाना एक टीचर का रोल होता है कि जो आपको ताउम्र याद रहे, भूले ना, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है बच्चे डिटर्मिनेशन, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन। आप पढ़ने वाले होने चाहिए और कॉन्सेंट्रेट करने वाले होने चाहिए, तो इंशाल्लाह चोपड़ा आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा। आपकी नीयत पढ़ने की होनी चाहिए, मेरी तो है ही पढ़ने की, एक चीज हमेशा याद रखें, आसिफ इज नाउन, मैं अपने हार्डवर्क की वजह से जाना जाता हूं। तो बच्चे आप बच्चे ध्यान देंगे सभी लोग, तो केमिस्ट्री क्या है, सादी भाषा में आसान लैंग्वेज में, है ना, बच्चों को जैसे पढ़ाया जाए तो क्या याद रखना है, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, वेरी वेरी गुड। क्या बोला मैंने, अरे बाबा मैटर की, सॉरी मैटर नहीं, मैटर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब मैटर क्या है भैया, व्हाट इज द मैटर ऑफ दिस मैटर, जैसे बच्चे पूछेंगे सर आपने बोला कि मैटर की स्टडी जो है वो केमिस्ट्री है, ठीक है हमने मान लिया, बट बताइए व्हाट इज मैटर। अरे छोटी क्लासेस में पढ़ के आ गए, एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज जिसको वजन है, अरे वजन हो वेट हो, ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ अवर फाइव सेंसेस। कोई भी चीज जिसका वजन हो, कोई भी चीज जिसका वजन हो, जो ऑक्यूपाई करे किसको, स्पेस को, और जिसको हमारे पांच सेंस ऑर्गन में से, सेंस ऑर्गन कौन कौन से हमारे नीचे, आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है, स्किन है, जानते ना आप लोग, आईज क्या है सेंस ऑफ साइट, है ना, नोज क्या है सेंस ऑफ स्मेल, ईयर सेंस ऑफ हियरिंग, टंग सेंस ऑफ टेस्ट, स्किन सेंस ऑफ टच। तो कहने का मकसद कोई भी चीज जिसको हम देख सके, स्मेल कर सके, सुन सके, है ना, टेस्ट कर सके, छू सके, महसूस कर सके, यानी हमारे पांच सेंस ऑर्गन में से कोई एक सेंस ऑर्गन भी जिस चीज को रिकॉग्नाइज कर सके, वो चीज जिसका वजन हो और जो जगह को घेरे, उस चीज को हम मैटर बोलते हैं। जैसे मेरा पेन मैटर, ये बोर्ड मैटर, ये बिल्डिंग मैटर, आप मैटर, मैं मैटर, अरे भैया हमारे जो चीज भी आपको दिख रही है बच्चे वो मैटर है, पानी मैटर, हवा मैटर, समझ पा रहे। तो इसका मतलब पूरी यूनिवर्स की स्टडी, यूनिवर्स क्या है, केमिस्ट्री कहती है कि भैया यूनिवर्स के सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं, एक है मैटर और एक है एनर्जी, और ये दोनों भी इंटरकन्वर्टिबल है। तो इसमें मेन कंपोनेंट कौन है बच्चे, मैटर। तो वो कहता है कि मैटर की स्टडी, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स की स्टडी, मैटर की स्टडी मतलब किसकी स्टडी, यूनिवर्स की स्टडी, किसको छोड़कर, एनर्जी निकाल दो यूनिवर्स में से, तो पूरे यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री। तो मैटर, आई होप कि आप बच्चों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा मैटर क्या है, कोई भी चीज जिसका वजन हो, जो जगह को घेरे और जिसको हमारे पांच सेंस ऑर्गन में से कोई एक भी रिकॉग्नाइज कर सके, उसको हम मैटर बोलते हैं, और मैटर की ही स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री।
अब आप लोगों की थोड़ा बुक की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है. जैसे केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर की कंपोजिशन क्या है, किससे मिलने से एक मैटर बना, एक चीज बनी है, और मैटर की प्रॉपर्टीज कैसी है, फिजिकल और केमिकल, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बेटा केमिस्ट्री. इसके अलावा चेंजेस विच टेक प्लेस इन मैटर, वो चेंजेस जो टेक प्लेस करती है मैटर के अंदर, जब मैटर को आप वैसे हीट करते हैं, चेंज करते हैं कंडीशंस, तो बेटा उस मैटर के अंदर क्या आती है, विच टेक प्लेस इन चेंजेस विच टेक प्लेस इन मैटर, उन चेंजेस की स्टडी को भी हम क्या बोलते हैं, बच्चे केमिस्ट्री. और उसके अलावा स्टडी ऑफ लॉज एंड थ्योरीज विच गवर्न दीज चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैटर, टेकिंग प्लेस इन मैटर. ठीक है भैया, आपकी बुक पर ऐसे लिखा हो केमिस्ट्री इज दैट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, changes which a matter take which take place in matter, and the study of laws and theories which govern changes taking place in matter. तो आप कैसे बोलेंगे उसके क्या क्या चीज है, जैसे मैं example लेता हूं, चलिए water की example लेते हैं. ठीक, पानी तो सभी लेते हैं बच्चे, water का structure कैसा है, तो आप सभी को पता है water angular bent structure होता है water का, this is the structure of water. तो structure किसी भी matter का, water is a matter, तो किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन बना किससे है, तो सामने दिख रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के मिलने से बना है. और प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, वाटर इज रंगलेस, स्वादलेस है ना, टेस्टलेस, लिक्विड है, ऑडरलेस है. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होगी किसकी, वाटर की. तो किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज, डिटेल स्टडी मैटर की, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री. इसके अलावा अगर हम इसी पानी को, इसी वाटर को उठाकर फ्रीजर में फ्रीज करेंगे, तो ये लिक्विड स्टेट में है, रूम टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें आइस में, जो कि क्या है, सॉलिड. तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, तो इसका मतलब चेंजेस हुई. इसी पानी को जो लिक्विड स्टेट में अगर मैं हीट करूं, बॉइल करूं, तब लगेगा वाटर मॉलिक्यूल को, तो ये बन जाएगा वाटर वेपर्स, क्या बना देगा, यानी गैसियस स्टेट में चला जाएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई डिफरेंट कंडीशंस में, यानी जब आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चेंज करते हैं, तो मैटर के अंदर क्या टेक प्लेस करती है, चेंजेस. बच्चे उन चेंजेस की स्टडी भी कहां की जाती है, केमिस्ट्री के अंदर. और इन चेंजेस के, ये जो चेंजेस टेक प्लेस करती है बच्चे मैटर में, ये कुछ लॉज और थ्योरीज, कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. उन फंडामेंटल्स, उन लॉज, उन थ्योरीज की स्टडी भी किसके अंदर की जाती है बच्चे, केमिस्ट्री के अंदर. तो तीन लाइनों में फटाफट से बोले, व्हाट इज केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर. क्या पढ़ना है मैटर के अंदर, मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज, मैटर के अंदर जो चेंजेस होती हैं उन चेंजेस की स्टडी, और जिन लॉज और थ्योरीज के बेसिस पर ये चेंजेस होती हैं उनकी स्टडी को भी हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं. ठीक है, आई होप नाउ यू मस्ट बी फैमिलियर अबाउट केमिस्ट्री क्या है. ठीक है, तो बच्चे एक पॉइंट और याद रखेंगे, चलिए कुछ और छोटी छोटी बातें करता हूँ आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में. आप बच्चों से ज्यादा आप लोगों को तंग नहीं करेंगे, फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है, तो देखिएगा बच्चे आप याद रखेंगे, केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल साइंस. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखेंगे, केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल साइंस. हालांकि यूनिवर्सल साइंस में हमारा फिजिक्स भी आता है. ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि स्टडी ऑफ मैटर है, तो मैटर किससे बना भैया, फंडामेंटल कौन कौन है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है मैटर के, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो आप कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ
atoms and molecules. Chemistry is the study of atoms and molecules. ठीक है जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. मुझे एक चीज और याद रखेंगे, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ एंशियंट केमिस्ट्री माना जाता है, सॉरी, जाबिर इब्ने हयान. जाबिर इब्ने हयान इज नाउन एज द फादर ऑफ एंशियंट केमिस्ट्री एंड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माना जाता है एंटोनी लवाइजियर को. एंटोनी लवाइजियर इज नाउन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. तो जी ये था थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री क्या है और आप लोगों के 11th केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, और कितने यूनिट्स हैं, कैसे आपने पढ़ना है. तो इसी बिहाफ में आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखता हूँ और आप सभी की ये जरूर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है भरपूर तावन देंगे. बच्चे डू लाइक शेयर एज मच एज यू कैन ओके एंड डू सब्सक्राइब द चैनल मैट ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस विद आसिफ खान. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.